गुड मॉर्निंग भाई, सबको नमस्कार है। आज ट्यूसडे है और दो दिन बातें पहले बताऊंगा, फिर हम बात करेंगे कि इंग्लिश ग्रामर कैसे करना है। सबसे पहली बात, मुझे जो क्वेश्चंस मिलते हैं कि सर मैं मोटिवेट नहीं रहता हूँ या पढ़ाई मन नहीं लगता हूँ, तो सिर्फ भैया ये सोचो कि स्टार्ट क्यों किया था। क्या नहीं चाहते हो कि ये टोपी है और इसको ताज बोलते हैं, ताज ये तुम्हारे सिर पर सजे, तुम्हारे माँ बाप देखें? और क्या तुम्हें नहीं लग रहा है कि केवल आसमान में सितारों को देखोगे कि अपने कंधों पर भी सितारों को देखना पसंद करोगे? देख लो इसको, इसके लिए तैयारी कर रहे हो तुम, ठीक है? तो मोटिवेट रहो, ये सोचो कि क्यों स्टार्ट किए थे। दूसरा चीज़ कि जो लोग नए आए हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो लोग पुराने हैं, जो लोग मुझे पिछले दिनों से फॉलो कर रहे हैं, अगर वो उन्होंने कल पढ़ाई नहीं की है तो ये समझ लीजिए कि आप 10 लाख लोगों से पीछे हैं। हर रोज़ कोई ना कोई पढ़ाई कर रहा है और आप जिस समय अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, कोई ना कोई आपसे आगे जा रहा है। तो आप जैसे जैसे पढ़ाई को छोड़ रहे हैं वैसे वैसे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है भैया, और आपको पढ़ाई करना पड़ेगा एक दिन में 2 दिन के बराबर, तब आप जाके उनको कंपनसेट कर पाएंगे। इसलिए पढ़ाई करना मत छोड़िए, लगातार पढ़ते रहिए। आपको लगता है कि समय ज़्यादा है, समय ज़्यादा है, लेकिन समय ज़्यादा नहीं होता, तुरंत समय बीत जाता है। तीसरी बात, जो लोग नए आए हैं, अगर आप नए आए हैं तो भैया ग्रुप में जुड़ जाइए जाके टेलीग्राम से, क्योंकि टेलीग्राम में बहुत अच्छे अच्छे बच्चे तैयारी कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम वहाँ पर डेली टारगेट स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे भी आपको बेहतरीन कंटेंट मिलेगा, क्योंकि मैं बकवास नहीं करता हूँ, सिंपल सी सीधे सी बात बताता हूँ जो सच में बच्चों को करना है, स्टूडेंट्स को करना है। चौथी बात, हम स्टार्ट करेंगे आज अपना इंग्लिश ग्रामर कहाँ से करना है। इंग्लिश ग्रामर छोटा सा पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे, टीचर कौन सा फॉलो करना है, बिगिनर्स के लिए क्या करना है, जो पढ़ चुके हैं उनको क्या करना है, यूट्यूब का वीडियो कौन सा देखना है, किताब कौन सी लेनी है और प्रैक्टिस कैसे करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं टीचर की। टीचर में मैं आपको 4 लोगों का नाम बताऊंगा। सबसे पहला नाम है नीतू मैम का, उसके बाद दूसरा नाम आता है रानी मैम का, तीसरा नाम आता है गोपाल वर्मा सर का, और चौथा नाम आता है आपका अमन वशिष्ठ सर का। आप चारों लोगों के वीडियो जो हैं, बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ, चारों लोग के वीडियो जो हैं, चारों टीचर्स के वीडियो यूट्यूब पे फ्री पड़े हुए हैं बहुत सारे, आप वहाँ से जाके 1-2 वीडियो देखो, जिस टीचर का आपको समझ में आता है उस टीचर का कोर्स ले लो। सिंपल सी बात, बिगिनर्स के लिए, ठीक है, उसका कोर्स ले लो। अब बात करते हैं जो पढ़ चुके हैं उनके लिए, उनको कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। अब जो आगे मैं बातें बताऊंगा वो बिगिनर्स के लिए और रिपीटर्स के लिए दोनों के लिए सेम होगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, टीचर किसको, किससे टीचर को लेना है। मैं आपको बताऊंगा कि आप नीतू मैम का कोर्स लीजिए, क्योंकि मुझे वो पर्सनली बहुत पसंद है, मैंने भी उनसे ही पढ़ा था। टीचर क्लियर हो गया। दूसरी बात करते हैं, यूट्यूब चैनल कौन सा फॉलो करना है। यूट्यूब चैनल आपको फॉलो करना है नीतू मैम का, इंग्लिश बाय नीतू मैम, और दूसरा एक इंग्लिश बाय रानी मैम। इन दोनों लोग के चैनल पर बहुत सारे कंटेंट पड़े हुए हैं ग्रामर के, जो कि जिससे कि आपको कोर्स, जिसका कोर्स हो चुका है कंप्लीट, उसको रिवाइज करने में बहुत आसानी होगी। जैसे इस समय नीतू मैम का गोल्डन रूल चल रहा है, गोल्डन रूल के 22 वीडियो उन्होंने डाल दिए, तो अगर तुम उस 22 वीडियो को कर लेते हो, 22-23-25 वीडियो को कर लेते हो, जबकि वो कह रही हैं कि वो 3 महीने तक करेंगी, तो उसमें पूरा ग्रामर तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा, तुमको कहीं से कोर्स खरीदने की भी जरूरत नहीं है। तीसरा, जो किताब है, किताब की बात करें तो वो सिर्फ मोनोपोली है उस किताब की, और उस किताब है नीतू मैम का प्लिंथ टू पैरामाउंट, वही किताब खरीदनी है। और एग्जाम से पहले पहले कम से कम 3 बार उस किताब को पढ़ना है अच्छे से, उसका पूरा ग्रामर पोर्शन तुम्हें 3 बार अच्छे से पढ़ना है। किताब भी क्लियर हो गया, टीचर क्लियर हो गए, यूट्यूब चैनल क्लियर हो गया। अब बात आती है प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस कैसे करना है। ग्रामर की अगर बात करोगे तुम, 2 चीज़ होते हैं, एरर और इम्प्रूवमेंट। प्रीवियस ईयर की कोई भी किताब उठाओगे, उसमें प्रीवियस ईयर की किताब में तुम्हें एरर मिलेगा, इंप्रूवमेंट मिलेगा। एरर के लगभग 1000-1200 क्वेश्चन होंगे, इंप्रूवमेंट में 1200 क्वेश्चन होंगे। तुमको डेली 50 क्वेश्चन करना है एरर का, बस 20 दिन में जब एरर खत्म हो जाएगा तो 20 दिन बाद इंप्रूवमेंट करना है। 50 क्वेश्चन एरर का करना है, एरर 50 क्वेश्चन किए, उसमें से जो तुमको आया वो ठीक है, जो नहीं आया उसकी तुम एक कॉपी बनाओगे, कॉपी पे लिखोगे कि हाँ इसमें क्या एरर हो सकता है, किस के साथ क्या प्रोपोजिशन लगता है, किस सेंटेंस के साथ क्या मॉडल्स लगते हैं, कैसे लगते हैं, मॉडल के बाद क्या आता है, मॉडल के बाद मॉडल से पहले क्या आता है, ये सारी चीज़ें जो उसमें तुम रूल में गलती करोगे उसको एक कॉपी में लिखोगे। उसके बाद जब तुम अगला 50 करने जाओगे अगले दिन, तो उससे पहले तुम जो तुमने रूल लिख रखा है पहले के, जिससे तुम्हें नहीं बने थे, उनको तुम रिवाइज करोगे, ठीक है। रिवाइज करने के बाद फिर तुम 50 लगाओगे, दूसरे पेज में लिखोगे 50 वाला जो नहीं बना तुमसे। तीसरे दिन तुम वही करोगे, पहले पहला और दूसरे दिन का रिवाइज करोगे और तीसरे दिन का 50 लगाओगे। ऐसे ही करते करते तुम्हारा पूरा एरर खत्म हो जाएगा। एरर खत्म होने के बाद सेम स्टाइल में तुम्हें इंप्रूवमेंट को भी कंप्लीट करना है, ठीक है। ये था कंप्लीट, तुम्हें ग्रामर की स्ट्रेटजी ऐसे फॉलो करनी है, मैं बता रहा हूँ। 1 महीने तक तुम कर दो, देखो तुम्हारा स्कोर ना बढ़ जाए ग्रामर में, तो तुम कहना इंग्लिश, तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा इंग्लिश में, ठीक है। रीडिंग करते रहो, वोकैब करते रहो, ग्रामर हो गया। अब मैं आपको बता दूंगा कि प्रैक्टिस कैसे करना है, अगले वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद बताऊंगा कि आपको मॉक टेस्ट में कैसे अटेम्प्ट करना है, एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाना है, ठीक है। तो अभी तक के चलता हूँ भैया, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, चलते हैं। जय हिंद।